शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम हमारे देश के वो प्रहरी जिन्होंने अपना जीवन सर्वोच्च अपना बलिदान कर दिया देश की रक्षा के लिए और जिन्होंने जय हिंद जय भारत का नारा दिया है, उन्हीं के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। आज आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन प्रकट किया है और अपना एक ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से भारत सरकार को भेजा है, उसके बारे में बताइए सर, क्या वो आपकी मांगे थी? सबसे पहले मैं रिवॉल्यूशन इंडिया सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, हमारे बीच में पहुँचे और यह हमारी इस खबर को आप लोग आगे उठाएं जी। इसके साथ साथ हमारे दूर दराज जिला जींद के सभी बड़े सम्मानित बड़े भाई और सभी मेरे प्रिय छोटे भाई जी, अपना कीमती समय दे करके इस पैदल यात्रा में जी शिरकत की, अपना कीमती समय निकाला। मैं सभी बड़े भाइयों को भी हाथ जोड़ करके सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ जी। जैसा आपने बोला कि हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने जी विपरीत परिस्थितियों में जी बैड क्लाइमेट्स वेदर कंडीशंस एक नेचुरल क्लाइमेटीज जी के अंदर इन आदमियों ने कहाँ कहाँ किस किस बॉर्डर पे कैसे कैसे जगह करके देश के लिए जो इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है, निश्चित जो अपने एक जवानी और बचपन दे करके आज देश की जनता जो सुरक्षित महसूस कर रही है जी, जिसकी वजह से आज हम खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, ये सब श्रेय हमारे सैनिक भाइयों को जाता है और जिसकी वजह से आज हमारा खुला वातावरण में हम यहाँ पर खड़े होकर के अपनी बाइट दे रहे हैं जी। मैं सबसे पहले अपने भाइयों का, इन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जितना भी मैं कम करूँ वही कम है। हमारे यहाँ पे एक शहीद यात्रा शहीद भगत सिंह गुरुदेव और राजगुरु की एक शहीद यात्रा जिसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ज्योति जल रही है जी, उसके लिए 12 क्विंटल घी इकट्ठा करके हुसैनी वाला बॉर्डर पे जहाँ पे उनका शहीदी स्थल है वहाँ पे गई और उसमें भी हमारे शरीक जितने साथी हुए, अरे एक देश के लिए खूब लड़े वो वीर जवान जिनका ठंडा खून भी फौलाद हुआ और मरते मरते कई मार गिराए तब ये देश आजाद हुआ। आज उन वीरों की बदौलत जिनके अंदर बचपन से एक जुनून था देश के अंदर एक क्रांति लाने के लिए, अकमातू रोना मत नहीं तो इनकलाब नहीं आएगा, वो भगत सिंह के लिए यहाँ पे शहीद यात्रा में गए। हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर भी इकट्ठे हुए और उनका स्वागत किया, फूलों से उनका स्वागत किया और ज्योति वह आज हुसैनी वाला बॉर्डर पे पहुंच जाएगी जी। जितना बलिदान और जितना इन भाइयों ने जैसे विपरीत परिस्थितियों में ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में जो देश की सेवा करी और आज देश का सैनिक, और उससे पहले हम किसान के बेटे हैं, सूर भी काटे है वाड़ा भी काटे है खैंड खोड़े भी करे हैं, पहले हम किसान के बेटे हैं फिर उसके बाद हम सैनिक हैं। और आज देश का सैनिक सड़कों पे उतर करके अपना रोष प्रकट कर रहा है और वो प्रकट हमारे साथ में ORP 2, इसको ORP को हम वन रैंक वन पेंशन 2 के अंदर जी, जो हमारे सैनिकों के साथ जी, एक सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक जी, ऑनरी कमीशन तक जो अनदेखी और जो भेदभाव किए गए हैं उसको लेकर के आज हमारे सैनिक हैं जो रोड़ों को ऊपर अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं जी। काफ़ी रोष काफ़ी गुस्सा इनके अंदर है कि भी हमारे साथ में ये भेदभाव क्यों किया गया जी। हमारे आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत समानता का अधिकार है जी। आज जो इनकी चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन है, चाहे वार इंजरी पेंशन है, स्पेशल फैमिली पेंशन है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन है, सर्विस पेंशन है, सभी पेंशन के अंदर जो आज ये भेदभाव किया है सिर्फ इसलिए क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स और IAS जो AC रूम के अंदर बैठे हैं हमारे किसी JCSOR के किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लिया? अरे उसका दुख दर्द तो वो जानता है जिसको तनख्वाह कम मिल रही है। आज हम किसी से ये नहीं कहते कि भाई हमारे ये हक कोई और लेके गएगा, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, वो भी हमारे संबंधी हैं। आज 60% बच्चे हैं जो हमारे सेना के अंदर भी ऑफिसर हैं, लेकिन क्या हमारा हक मारना
और हमारा हक का पैसा लेकर के जाना, ये कहाँ वाजिब है। एक वीर नारी आज 11,000 रुपये में अपनी पेंशन के ऊपर गुजारा कर रही है, और एक दूसरा ग्रुप, दूसरे अधिकारी जो ग्रुप है वो 75,000 रुपये पेंशन के ले रहे हैं। इतना डिफरेंस, इतना गैप क्यों, किस लिए किया गया ये? आज इसको लेकर के हमारे, चाहे हमारे रिजर्विस्ट हो, चाहे हमारे प्री म्यूचुअल रिटायरमेंट हो, जो गवर्नमेंट ने 20 फरवरी 2023 का जो लेटर निकाला है उसके अंदर किसी भी प्री म्यूचुअल को है जो शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्या वो अपनी मर्जी से एक सोल्जर का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 17+2 होता है और उसके बाद उसको प्री म्यूचुअल का नाम दे करके उसको अपने पेंशन से जो लाभ मिलने वाले होते हैं उसे वंचित किया जाता है? तो ये सरकार को हम ये जगाने का काम कर, आज पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी जिलों के अंदर है जो ये ज्ञापन दिया गया, ताकि हम सरकार के ऊपर सभी सैनिकों की मांग को ये दिखाएं। अब भी हाँ, हमारे पूरे सैनिक भारतवर्ष के आज सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आपका ज्ञापन जो रक्षा मंत्री के नाम था, किन के नाम था? हमारा ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय रक्षा मंत्री के नाम से हमने 3 जगह पर ज्ञापन दिया है। और ये ज्ञापन यहाँ जींद में ही नहीं जी, और सभी पूरे भारतवर्ष के अंदर है जो आज 3 अप्रैल को ज्ञापन दिया जा रहा है जी। और ये तो हमारी अभी सिर्फ एक अंगड़ाई है। क्या बात? मैं सैनिकों से ये भी अनुरोध करता हूँ, आज जोड़ के अपील करता हूँ, ये तो हमारी अंगड़ाई है। और जिस दिन सैनिक अपने पूरे रोष में, अपनी आत्मत्यता के साथ अगर सड़कों पर आ गया, तो सरकार को हम झुकने पे मजबूर करेंगे और हम अपना हकों की लड़ाई लेकर के रहेंगे। मेरा वेटरन्स राजेंद्र सिंह रेड्डू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद सर। आपका जनाब मिठन लाल दीक्षित जी, रिजर्विस्ट सिपाही जी, तीनों लड़ाई लड़ी जी, 62 की, 65 की, 71 की जी, 6 महीने, 6 महीने पाकिस्तान में रहे जी। लाल बहादुर शास्त्री ओड़ा सियालकोट जिले में शाबाशी देने के लिए गया। जवानों, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, दुश्मन को 30 मील खदेड़ दिया। मैं बुलडोजर भेज रहा हूँ, इसको प्लेन बढ़ा दो ताकि पता लगे जी। फिर ऐसी सरकार आई, वो सबसे लास्ट में मेरी सेक्शन 25 फरवरी 1966 में अल्लड स्टेशन रेलवे चौंडा तहसील सियालकोट जिला छोड़ के आई थी, और मारे को 30 साल तक पूरी पेंशन दे दी। 2006 में मेरा निकोण सलाहकार बैठा था, हमारी पेंशन आधी कर दी, 10,000 रुपये मिल गए, मिले हमारे को, जबकि पेंशन एक सिपाही की क्या नाम है 30,000 के अलावा है। और जबकि राशन बचाया, क्लोथिंग बचाया, सैलरी बचाई, रुपये सिर्फ 20, मजदूर ले 30 रुपये रोज के, और हमारे को 20 रुपये महीने को मिला कर दे, कैसे गुजारा करें भाई? हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के लिए हमें करके छोड़ाएंगे जी। जी, जी। भाई मेरा नाम राजेंद्र सिंह ढांडा है, मैं मिर्चपुर से हूँ और एक्स नेवी हूँ जी। जी, जो बाकी जो आपको कहानियाँ तो बता दी, जो हमारे साथ क्या अनोमलीज हुई हैं वो रेक्टिफिकेशन सरकार कब करती है, कैसे करती है वो नहीं पता। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, एक सिपाही जो देश की सेना में खड़ा है और बॉर्डर पर खड़ा अपना काम कर रहा है और अपने देश के लिए कर रहा है जी, उनकी पेंशन को खा जाओ। MLA MP जितनी, 2 दिन MLA बन गया तो बोला 2,050,000 पेंशन, 1,00,000 पेंशन जी, बारात में आए हैं क्यों? उनका खाता क्यों भाई जी, जी। उनकी तो सारा सब कुछ बंद हो जाना चाहिए जी। देश में सेवा करने की, बोला हम जनता के सेवक, हम देश सेवक, कहाँ के सेवक हो तुम? अपने पेट से आज MLA बना दो, कल रोटी खाने को दिल, उसके घर में कुछ नहीं था, आज MLA बना दो, 3 दिन बाद करोड़ों का मालिक हो जाता, कहाँ से आ जाता वो जी? विचारणीय विषय, सारे चोरी के विषय हैं ये जी, सारे चोरी हैं, सब कुछ चोर हैं, चोरों की बारात इकट्ठी हो रखी है, देश को लूट रहे हैं और हम उनके पीछे लगू हैं। यो मारा है इसका वोट देना है, यो मारा है इसका वोट देना है, ये सबसे गंदा प्रचलन चलाया हुआ है। जब तक हम नोटा एक ऑप्शन दिया हुआ है जी, 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 जी। अगर हमें कोई पसंद नहीं है, नोटा पे तो लगा सकते हैं निशान, उनकी जमानत जब्त कर दो सबकी, ताकि इलेक्शन में ही नहीं खड़े हो सके जी, जी, जी। किसी ईमानदार आदमी को ले आओ जी, ईमानदार आदमी राजनीति में आ नहीं सकता, उसको आने नहीं देते जी, उसको खा जाते हैं पकड़ के जी, या उसको मरवा देंगे जी। तो भाई इस देश का भला तब हो सकता है जब इस देश में सब कुछ बराबरी पे आएगा, और बराबरी पे आने के लिए पहली बात तो उन लोगों को ही खा रहे हैं जो सैनिक है देश जी, के जी, जो जी, देश की सेवा कर रहे हैं, है जो हमारा एक जो देश की है, सेवा कर रहे हैं, और सेवा है। देश की सेवा करने वालों को खा गए तो तुम किसको छोड़ोगे? किसान का पेट काट जी। जी। किसान बेचारों ने धरना दिया 1 साल 1.5 साल, कितना बैठे रहे, उनकी फसलें खराब होगी, कोई ज्ञान नहीं उनके बारे में, पूछने वाला नहीं है। अभी आपको मालूम है बेमौसमी बारिश और ओले पड़े हैं, कल सो खत्म हो गई,
गेहूं खत्म हो गई, किसान को खा गए, जवान को खा गए, बोले हम जवान और किसान के साथ थे। तुम कहाँ के साथ थे भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो, कहाँ की बता रहे हो तुम? हम इस देश में मतलब सुनने के लिए आए थे क्या कि हाँ देश में किसान और जवान, जवान और किसान? एक ही आदमी था जिसने नारा दिया था, वो था शास्त्री। उसने जो कुछ किया था वैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। अरे फटे हुए कपड़ों में प्रधानमंत्री दफ्तर में जाने वाला आदमी ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। यहाँ तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कौन सी भाषा चलती है और किस ड्रेस पे भी कंट्रोवर्सी होती थी यार। बोला प्रधानमंत्री पहन रहा है प्रधानमंत्री, अरे तुम ऐसा करते ही क्यों, कभी दिखाएंगे? मैंने तो वो जैकेट पहनी जो प्लास्टिक को गड़ा के फिर उसको सुधार के बनाई है, ये क्यों दिखा रहे हमको? हमें वो दिखाओ जो हमें देखना है, इन किसानों को देखना है, इन जवानों को देखना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर सैनिक अपना हक लेना जानते हैं और वो लेके रहेंगे, ये मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ। और मेरा नाम राजेंद्र सिंह ढांडा है, मैं एक्स नेवी मरीन कमांडो, जिसने अपनी जिंदगी में कभी ये मेरा बैग रहता था हाथ में सारा दिन और एक राइफल साथ में, उठा चल भाई उधर जा बॉर्डर पे पहुंचना है। नेवी में होते हुए मैंने ऐसा हिंदुस्तान का कोई कॉर्नर नहीं जहाँ मैंने लड़ाई नहीं लड़ी। मैं कारगिल में भी था, सैल्यूट आपको, ठीक है, मैं श्रीलंका में भी था, मैं मालदीव में भी था, मैं सोमालिया में भी था, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ मैं नहीं गया, जहाँ देश ने बोला उधर लड़ाई है भाग उधर, वहीं उठा के अपना बिस्तरा चल पड़े। और आज क्या है, कुछ नहीं है। हम एक्स ए पहले ग्रुप होते थे, ए बी सी डी, अब बना दिए एक्स वाई जेड। हम ए ग्रुप में होते तो वहाँ से उठा के वाई में डाल दिए, अरे एक्स में डालना था, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन कोई नहीं पूछता भाई, जहाँ दिल किया पेल दो, जहाँ आया पेल दो। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद की सेना। भाई मेरा नाम तो आपको बताया राजेंद्र सिंह, मैंने बता दिया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते जब तक ये देश सुधरेगा, तब जब सुधारने वाले चाहिए। जी जी निश्चित रूप। पाल सिंह कंदोला, आई एम वेलफेयर ऑफिसर जिला सैनिक बोर्ड जींद रिटायर्ड। जी जी। और अभी फिलहाल जो है मैं नेवल वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। जैसे मेरे साथियों ने बता दिया है ओआरओपी के बारे में, जो भी हमारी प्ली है सारी डिटेल में आपको बता दी, इस पे ऑन रिकॉर्ड बता दिया, हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और पूरे हिंदुस्तान में सभी डिस्ट्रिक्टों से दिया है। मैं तो अभी सभी अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो एक काल पे कि बिना देर किए हुए सभी पहुंचे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जरूरत पड़ेगी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, वो हमेशा वो आगे खड़े रहेंगे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका शुभ नाम सर? मैं कैप्टन गिल जी। पहले मैंने देश की सेवा की जी 5.5 साल जी, फिर 22 साल इन भाइयों की सेवा की। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आपको। तो आज के दिन पूरे जींद जिला में सबसे सीनियर आर्मी अफसर हूँ जी, मेरे सीनियर कोई जिंदा नहीं है। क्या बात है, सैल्यूट है सर। 82 साल मेरी उम्र हो गई है जी, 65 की लड़ाई लड़ी है जी, लड़ाई में जख्मी हुआ हूँ, उसके नाम की पेंशन भारत सरकार ने दी है जी, और फिर इन भाइयों की सेवा करने के एवज में एक पेंशन जो है हरियाणा सरकार ने दी जी, जी जी जी। ये तो है मेरे बारे में ये जी, जी, जी। अब ये बात ये है, जब तक रोता नहीं बच्चा तो माँ भी दूध नहीं पिलाती जी, तो मतलब ये है 65 की लड़ाई में हम जहाँ सीज फायर हुआ था वहाँ पर शालकोट 4 मील बाकी था जी, वहाँ पर माइलस्टोन था जहाँ पर हमारी लड़ाई ख़त्म हुई थी नाले के ऊपर जी, वहाँ पर माइलस्टोन था शालकोट 4 मील। उसके बाद जो है हम जख्मी होकर के और 10 साल तक हम घर बैठे, क्योंकि हमारी डिसेबिलिटी 100% थी जी, और 50% से नीचे वालों को सिविल में नौकरी नहीं मिलती जी जी। जब वो धीरे 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 50% से नीचे आई तब फिर जो है इन भाइयों की सेवा करने का मौका मिला जी जी। 22 साल इन भाइयों की सेवा की जी जी। और आज ये बात है कि इस कैप्टन गिल का जी उस ORP की लिस्ट में नाम नहीं है। दुखद विषय, दुखद मतलब ये है लेफ्टिनेंट और कैप्टन का कहीं जो है लिस्ट के अंदर कहीं कोई, जब वो टेबल आई थी उसमें सिपाही से लेके जनरल तक की कॉलम बने हुए थे, बीच में लेफ्टिनेंट और कैप्टन दो कॉलम ऐसे थे जिनमें 0 था जी। अब इससे ज़्यादा और अन्याय क्या हो सकता जी जी, दुखद विषय है जी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। सरकार को भी हम निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, जो जय जवान जय किसान का जो नारा है
उसको अगर जमीनी स्तर पर आत्मीयता के साथ अगर लागू किया जाए तभी इन जवानों का और किसानों का सम्मान होगा। आज भी हम पूर्व सैनिक हैं, अगर कोई चाइना बॉर्डर पर कुछ हो जाए तो मोदी अगर हमारे को आदेश दे तो आज भी वहाँ कमर तोड़ देंगे चाइना वाले की, और जाट जमीन ने कमर तोड़ी है। अरे हमेशा के लिए पहले होते थे, आज चाइना बॉर्डर के ऊपर को लखा के देखो जी, आज भी हमारे पर पूर्व सैनिकों के अंदर वो ताकत है, अगर हमारा को मोदी या सरकार हरियाणा सरकार जो भी हमारा है मौका देती है तो हम आज भी इतने ताकतवर है जो कि कंट्रोल कर सकते हैं जी। आपका शुभ नाम? लेकिन मेरा दलबीर सिंह 19 जाट होल्दार जी जी। लेकिन हमारे साथ इतने देखिए हम सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं जी जी। ये कोई मतलब नहीं है, सरकार ने हमारी माने मान लेनी चाहिए और समझ लेना चाहिए। आज भी हम कोई भी प्रशासन हो चाहे कांग्रेस हो चाहे मोदी, हमने सरकार से लेना देना नहीं है, हमने तो सिर्फ एक ही मुद्दा है पूर्व सैनिक, हम देश की सेवा करी है करते रहेंगे, आगे भी आदेश मिला तो ऐसे ही करेंगे। अरे हम ऐसे बर्फ के अंदर घिट्टी तक दब जाते हैं, हमारे जवान नीचे बर्फ में टोए नहीं मिलते, वो समय घड़ी देखो ऑक्सीजन नहीं मिलता, हम कैसे दिन रात काट काट कर समय काट कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज ये दो भाइयों मिलने का हमने मौका मिला है, क्या इस मौका को सरकार एक छोटी डिमांड को हमारी नहीं मान सकती? बिल्कुल, इतना जोश हमारे अंदर है, अगर सरकार हमारे को सड़क पाड़ने के बोले तो अभी पाड़ देंगे हम जी। लेकिन डिसिप्लिन नहीं खोते कभी पूर्व सैनिक, हम डिसिप्लिन से काम करते हैं, कोई भी प्रशासन कहीं पूर्व सैनिक कहीं गलत काम नहीं करेगा जी जी। आज भी जंतर मंत्र में बैठे हमारे बिल्कुल शासन के हिसाब से बैठे हुए हैं, हम मोदी सरकार से यही करते हैं कि हमारी मांगे मांगो जी। हम 17 साल में 20 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं, हम करें तो क्या करें जी जी। बिल्कुल, हम अपने बच्चे पढ़ाएं मकान बनाए क्या करें, 17, 18, 20 साल कोई नौकरी है क्या? ये शिवलाड़े 58 साल नौकरी करते हैं और बड़े बड़े अधिकार है, हम ये दिन रात ट्रेन बस्तरे बांध कर घूम रहे हैं, हमारा टिप्पण हाथ में है, हमारा कोई समय नहीं है, कोई बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। आज ये दो भाई अपनी डिमांड मांग रहे, सरकार ने हमारी मांग लेनी चाहिए, हम मोदी का सलूट करते हैं हम जी जी। ये सरकार हमारी बातें माने, हम प्रशासन के साथ हैं जी जी। धन्यवाद जी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। मैं हौलदार मनजीत सिंह जी, मैं जंतर मंतर से अभी सीधा यहाँ आ रहा हूँ जी। मैं इसलिए हूँ कि अपने जो यहाँ पर है फौजी भाई उनके साथ बैठा, मैंने डीसी ऑफिस में भी गया था जी। मैं बता दूं किसी को इस बात का पता है या नहीं पता है जी, जींद वाले वासियों को मेरे वीडियो के थ्रू भी पता चल रहा है, आपका धन्यवाद है जो आप हमारे को कवर कर रहे हैं जी जी। साफ बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, शायद किसी को पता ना हो जी, 42,700 करोड़ पहले दे चुका है जी, और ORFP 2 के अंदर 28,000 करोड़ अभी दिया है, तो वो गया कहाँ? प्रधानमंत्री मोदी जी आपके नीचे से कहाँ चला गया? वो ले गए मारे अफसर, किसी को बुरा मानो खुलकर मानो, मारे अफसर ले गए और मारा मारे को बैठा गए सड़क पर। ये जनरल सतबीर, जनरल बख्शी, जनरल कादियान, इनकी वजह से हम सड़क पर बैठे हैं। बाकी ऐसे सरकार ने ये नहीं कि हमारे को नहीं दिया, कमाल कर रहे हो कि 70,000 करोड़ मेनर कहता है कि छोटी मोटी रकम नहीं है, और खा गए सारे अफसर। उसमें क्या किया, 2.57 का फार्मूला जवानों को सौंप दिया, 2.81 का फार्मूला अफसर ले गए, और MSP अफसर 15,000, जवानों को 5,200, और जो जिन्होंने कभी बॉर्डर नहीं देखा उनको 10,300। वो क्यों दिया गया मेडिकल वालों को? क्योंकि जितने अफसर हैं ये सब मेडिकल बोर्ड आते हैं, रिटायर होने के बाद जब प्रमोशन चाहता है इनको तो क्या कहते हैं, भी प्रमोशन आ गया फिट हो जाओ, जब प्रमोशन ले लिया बीमार हो जाओ, फिर प्रमोशन आ गया फिट हो जाओ। 100 में से 50 अफसर ऐसे हैं जो मेडिकल अनफिट का फायदा लेते हैं, और 100 में से 8 जवान हैं जो मेडिकल का फिट लेते हैं, फिर भी वो देखो इधर पड़ा, ये इधर देखो, आपके कैमरे में सामने आओ जी, इसकी पेंशन काट दी गई जी, और इसका कैटेगरी बोर्ड भी काट दिया गया। ये हालात है हमारी सरकार के, और ये कटवाया किसने? हमारे अफसरों ने। मैं अफसरों के मुंह के ऊपर कहता हूँ, तो इससे आगे जो बटमैन सिस्टम एक ऐसी संस्था है जिसका सत्यानाश कर दिया इन अफसरों ने। हम इनके भूत पाल करने के लिए भर्ती हुए हैं, हम अपना देश की सेवा के लिए भर्ती हुए, ये अफसर हमारे को भूत पाल करवाते हैं, कुत्ते घुमाते हैं और सड़कों पे घुमाते हैं, हमारी गाड़ी साफ करो, इनके बाप के नौकर हैं क्या? नौकर हम देश के लिए, देश के जवानों के लिए, इसके लिए हम अफसरों के अपने बुरा नहीं बोलना चाहते। जब हमारा पेट काट लिया हम अफसरों के बुरे बोलेंगे, खुल के बोलता हूँ मैं, सभी के सामने कहता हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ, होश आवाज के अंदर गलत नहीं कह रहा हूँ।
और जब फिर उसके बाद अफसर बोर्ड लेते हैं, हमारी जो विधवा है वीर नारियां हैं उनको कितना 11,000-12,000, जो अफसर हो गए 75,000, और जो काटागिरी आते हैं अफसर को गोली लगी या उंगली कट गई या पुंगली कट गई उसको क्या दिया, उसको 2.5 लाख, और ये जवान को सामने खड़ा है आपके इसको दे दिया 17,000-18,000। ये किसी प्राइम आगे बैठे हिंदुस्तान के बैठे हैं, ये इसी देश के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये एक किस्म का मैं कह दूँ अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं लगाओगे तो अफसर भ्रष्टाचार में बहुत हो जाएंगे। ये वो अफसर हैं जब हम हॉकी खेलने जाते हैं, जब वॉलीबॉल ग्राउंड में जाते हैं, जब क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, तो हमारे लंगर से मारा राशन खाते हैं, अपना एक पैसा नहीं खर्चे। एक पेन है ना, ये पेन है देखो, ये पेन भी अपने पैसों से नहीं लेते, हमारे पैसों का लेते हैं, तभी ये टेबल पर रखते हैं, उसका पेन रखते हैं हम, क्योंकि हमने नौकरी करनी होती है। अफसर के हाथ में कानून होता है, हमारे को गलत कानूनों से सवाल के ला देंगे, वार का ये होगा, लड़ाई के टाइम इसने ऐसा कर दिया, वो कानून वो लाएंगे, ये नहीं कहेंगे ये बटमन सिस्टम से ऐसा काम हुआ, ऐसे जी बातें लगा देते हैं, जवान कुछ कर नहीं पाता, इसलिए इतनी बातें कहता हूँ। क्षमा का जज को, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है मनजीत सिंह जी। जी आपका पद डेजिग्नेशन क्या है? हौलदार है मेरा, मैं आर्मी से जी। बहुत बहुत धन्यवाद, देश के जवानों के हम सम्मान कर पाएंगे। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।